डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रैक्शन इन नोजल की। तो नोजल में जो फ्रैक्शन होता है, जनरली उसको नोजल इफिशियंसी के नाम से जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं। नोजल इफिशियंसी, जिसे कि हम दूसरे वर्ड में इफेक्ट ऑफ फ्रैक्शन से समझ रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम बना हुआ है, और प्रेशर की जो लाइन है ये यहाँ पे P1 प्रेशर की लाइन है, दूसरी P2 प्रेशर की लाइन है। ये दोनों प्रेशर लाइन, दोनों प्रेशर का डिफरेंस है, यानी कि इनलेट सेक्शन पे जो प्रेशर था वो P1 है। जैसी स्टीम इंटर करती है एंट्रेंस सेक्शन पे, उसका प्रेशर P1 रहता है, और जैसी स्टीम बाहर की तरफ जाती है उसका प्रेशर P2 हो जाता है। तो रिडक्शन ऑफ प्रेशर से वहां पे हीट ड्रॉप जो है, कुछ वहां पे हीट ड्रॉप होता है, जैसे कि हम एंथैल्पी के फॉर्म में देखते हैं। तो एंट्रेंस में यदि प्रेशर P1 है तो एंथैल्पी H1 रहेगी, और एग्जिट सेक्शन पे यदि आपका प्रेशर P2 है तो वहां पे एंथैल्पी H2 रहेगी। तो ये तो हो गई बात यूजफुल हीट ड्रॉप की, कि यूजफुल हीट ड्रॉप कितना है। यूजफुल हीट ड्रॉप के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इफेक्ट ऑफ फ्रैक्शन के कारण कितनी उसकी एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। तो H1 जो है प्रेशर P1 के अकॉर्डिंगली एंथैल्पी H1 आ गई, और P2 के अकॉर्डिंगली एंथैल्पी H2 आ गई। तो यहाँ पे यदि हम फ्रैक्शन की काउंटिंग करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वहां पे एक फंक्शनल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से जो स्टीम है वो अपोजिट रहती है नोजल सरफेस और फ्लोइंग स्टीम के बिटवीन में, और इस फ्रैक्शनल फोर्स के कारण एंथैल्पी का लॉस होता है, और उसके कारण से टोटल ऑफ हीट जो स्टीम है वो रिड्यूस होती है। और टोटल हीट ऑफ स्टीम जब रिड्यूस होती है तो उस केस में वहां पे हमारे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। स्टीम के ड्राइनेस फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए इफेक्ट ऑफ फ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो स्टीम की जो कंडीशन है, यदि वेट स्टीम एक्सपांड हो रही है नोजल के अंदर, तो या तो वो ड्राई हो जाती है या वो सुपर हीट हो जाती है। तो जो नोजल इफिशियंसी का जो फार्मूला हम लिखते हैं, ईटा नोजल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है यूजफुल हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। इन दोनों का रेशियो होता है नोजल इफिशियंसी। तो यूजफुल जो हीट ड्रॉप है वो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक बीच वाली लाइन खींची गई है, जिसमें कि एंथैल्पी S3 आ रही है। तो S3 एंथैल्पी तभी आएगी जब वहां पे फ्रैक्शन होगा, नहीं तो वहां पे हीट ड्रॉप जो है H1 माइनस ऑफ H2 हो जाएगा। तो यहां पे अभी हम बात कर रहे हैं कि कितनी एंथैल्पी ड्रॉप हो रही है उसके लिए। तो यूजफुल जो हीट ड्रॉप है ये H1 माइनस ऑफ H3 है, ये फ्रैक्शन के कारण हो रहा है। जो आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप है ये H1 माइनस ऑफ H2 है, यानी कि H1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है H2 से, इसलिए H1 माइनस ऑफ H2 कर रहे हैं। और यहाँ पे S3 की वैल्यू H1 से कम है, लेकिन इफेक्ट ऑफ फ्रैक्शन के कारण उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक सेचुरेशन लाइन है, जिसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि X की वैल्यू जो ड्राइनेस है वो 1 होती है, और X की वैल्यू 1 होने के कारण यहाँ पे यदि स्टीम को हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये जो एक्सपांशन हो रहा है A से B की लाइन की तरफ, A से B की तरफ जो एक्सपांशन हो रहा है, इसे हम आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन के नाम से जानते हैं, और जो A to B- एक्सपांशन हो रहा है ये एक्चुअल एक्सपांशन कहलाता है। तो एक्चुअल एक्सपांशन ऑलवेज लेस देन द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन का मतलब होता है कि यहां पे स्टीम जो है PB की पावर गामा C को फॉलो कर रहा है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल एक्सपांशन कारण कुछ जो फ्रैक्शन है उसके कारण से हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण वहां की जो ड्राइनेस है स्टीम की बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यदि ड्राइनेस की फ्रैक्शन की वैल्यू की यदि हम बात करें कि यहाँ पे 90% है दूसरे पॉइंट पे, तो यहां पे जो ड्राइनेस रहेगी वो करीबन 95% निकल के आएगी।
तो ये डिफरेंस होता है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कारण। तो यहाँ पे सेचुरेशन लाइन पे हमने दिखाया है एक एग्जांपल आपको कि स्टीम जब पास हो रही तो वो वेट की कंडीशन में बदल गई है, और यहाँ पे एग्जांपल दिखाने की स्टीम की जब कंडीशन सुपर हीट होती है, तो सुपर हीट के केस में स्टीम का जो फर्दर एक्सपांसन होता है वो मे बी सुपर हीट हो सकता है, या तो वो वेट कंडीशन या ड्राई सेचुरेटेड कंडीशन को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे हमने नोजल इफिशियंसी का फार्मूला डेराइव किया, या हमने बात की नोजल इफिशियंसी के बारे में जो कि इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन के कारण से होती है।